हमारे पास लखनऊ से सवाल आया है राजेश जी का, फेसबुक पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन्होंने लिया हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर तो लगातार अभी थोड़ी देर पहले रवि आप भी बता रहे थे अच्छा लग रहा है स्टॉक, और इनकी जो खरीद भाव है वो काफी अच्छी है, और प्लस 40,000 शेयर्स इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए हुए। इनसे बात नहीं हो पाई क्योंकि सोशल मीडिया पर ये सवाल आया है, बट शानदार गेन हो रहा है इनको, 75 के आसपास देखिए कारोबार भी कर रहा है। और अभी आपसे ही सवाल होगा, आप काफी बार रिकमेंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी कर चुके हैं, 75 पर आ चुका है अभी भी, क्या और तेजी के लिए बने रहना चाहिए इनको इस स्टॉक में? जी 90 रुपए के टारगेट के बाद ही कुछ रिवीजन देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 100-110 के भी लेवल अचीव कर सकता है। और जहां तक मुझे याद आता है कि हम लोग जब ये शो कर रहे थे तो 40-42 रुपए का ये जब स्टॉक चल रहा था, तो उस समय हम लोगों ने इसकी रिकमेंडेशन आपके वीआईपी शेयर में कई बार करी, कई बार रिपीट जो है वो भी करना पड़ा, पहले 42 पे दिया फिर 54 पे दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस कॉन्फिडेंस को अभी भी चलने दीजिए, और 90 रुपए का जब तक टारगेट नहीं आता तब तक जल्दबाजी मत करिए। अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लेना भी चाहेंगे तो वो स्टॉप लॉस अभी फिलहाल जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी 65 रुपए के नीचे जब तक नहीं ट्रेड करता है, नहीं जाता है, तब तक आपको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन आपने लॉन्ग टर्म निवेश किया है तो 90 रुपए के पास आता है तो रिवाइज जरूर करिएगा, एक बार जरूर पूछिएगा, शायद वहां पर प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है, क्योंकि बहुत से स्टॉक्स होते हैं जो कि अच्छा रनअप दिखाते हैं और देखने के बाद भी लोग बुक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ईटी स्वदेश को कंटिन्यू वॉच करके रखिए।